मुलाकात, इसे बताया शिष्टाचार मुलाकात, कानून व्यवस्था सहित कई मसलों पर हुई चर्चा। और लातेहार में राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण ने कहा अभियान का उद्देश्य धन संग्रह नहीं बल्कि जन संग्रह है। और शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची से एक खबर आ रही है जहां पूर्व डीजीपी और मौजूदा समय में होमगार्ड डीजी नौकरी छोड़ सकते हैं एमबी राव। होमगार्ड डीजी एमबी राव नौकरी छोड़ सकते हैं डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद। एमबी राव के खफा होने की जानकारी मिल रही है। कहा नौकरी छोड़ने के लिए सरकार से करूंगा बात, बीआरएस या फिर इस्तीफे की पेशकश एमबी राव कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां अब करने को कुछ नहीं, नौकरी छोड़ खेती करूंगा। एमवी राव जो अभी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे बतौर डीजीपी झारखंड के, लेकिन अब नीरज सिन्हा झारखंड के नए डीजीपी बन गए हैं, तो वो होमगार्ड डीजी के पद पर जो तैनात थे वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन होमगार्ड डीजी एमवी राव अब इस पद को छोड़ने की भी पेशकश कर सकते हैं। खफा बताए जा रहे हैं डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद एमवी राव। हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, डीजीपी रहे अब मौजूदा समय में होमगार्ड डीजी एमवी राव पद छोड़ सकते हैं और उसके पीछे नाराजगी बताई जा रही है उनकी, किस बात की नाराजगी? आदर्श नाराजगी की कोई बात नहीं है, ये कयास लगाया जा रहा है। डीजीपी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं डीजीपी के पद से मुझे हटाया गया है और जो पद दिया गया उन्हें, जो होमगार्ड डीजी का पद दिया गया, उन्हीं के पास अतिरिक्त प्रभार था। और उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए कहा, अपनी वो इच्छा उन्होंने जताई कि मैं सरकार से बात करूंगा, और क्योंकि होमगार्ड डीजी के पद पर रहते हुए कोई काम नहीं है। जैसा होमगार्ड डिपार्टमेंट जो होता है आदर्श, बहुत छोटा राज्य के लिए डिपार्टमेंट होता है, तो इनका इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि अब मुझे झारखंड में करने के लिए कुछ नहीं है, इससे तो बेहतर है कि मैं जाकर के खेती करूं। और उन्होंने मीडिया के लोगों को बुलाया था, उनके अपनी जो अंदर की बात थी, अंतरात्मा की बात उन्होंने शेयर की, और उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अच्छे लहजे में बात करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा कि मुझे इस काम काज से मुक्त कर दे और मैं हैदराबाद में जाकर के अपने जो नैतिक जनसम का है वहां पर मैं खेती कराऊंगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। और एमवी राव ने पत्रकारों से ये भी कहा कि चूंकि हमारे ऊपर कई तरह के लोग, पक्ष विपक्ष दोनों मुद्दे होते हैं, हर अधिकारी के और नेता हर मंत्री के बारे में, तो हमारे खिलाफ भी कुछ लोगों ने तंज कसी। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे काम की सराहना की, हमारी आलोचना की, हमारे आंखें खोली, और उनके खिलाफ भी उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे खिलाफ जहर उगला। ये उन्होंने कल एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट आदर्श दिन भर चर्चा का विषय रहा कि क्या वो आज ही नौकरी छोड़ देंगे या बीआरएस में नहीं है, लेकिन अंततः उन्होंने सामने मीडिया के कुछ लोगों से बात की और बात करने के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद जा रहा हूं, अब आप लोग से हैदराबाद में ही मुलाकात होगी। आदर्श, आपको ये अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जैसे बीजेपी का इन्होंने पदभार सौंपा को, वहाँ परंपरा है कि जब डीजी बदलते हैं या कोई अधिकारी बदलते हैं तो अन्य अधिकारी भी वहाँ मौजूद होते हैं, सीनियर जूनियर सभी अधिकारी। वही जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर एमवी राव ने अन्य अधिकारियों से कहा कि भाई आप लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा, अभी तक आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन था, जो समन्वय था हमारे साथ बहुत अच्छा रहा, आप हैदराबाद में मुलाकात होगी। तो जो बात है इसका लोग मायने निकालने में कल दिन भर लगे रहे और उनके ट्वीट की चर्चा करते रही, इस खासकर इस बात की चर्चा होती रही कि उन्होंने क्यों कहा अधिकारियों से और अपने कनीय पदाधिकारियों से कि जब आप लोग दिल्ली या हैदराबाद आएंगे तब मुलाकात होगी। यानी कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक ठेस है, क्योंकि उनका अगस्त तक नौकरी था, सितंबर में वो सेवानिवृत्त होने वाले थे और ठीक उससे पहले, छह महीना पहले
सरकार ने उन्हें हटा दिया, तो कहीं ना कहीं मन में उनकी कसक रह गई है। दीपक, लेकिन डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद जो जानकारी मिली, खैर अभी तो उन्होंने ये कहा है कि वो नौकरी छोड़कर खेती करेंगे, सरकार से नौकरी छोड़ने के लिए बात करेंगे, लेकिन क्या कयास राजनीति में इनकी एंट्री को लेकर भी लग रहे हैं, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, लेकिन बिहार का प्रकरण हमने देखा था दीपक। नहीं, बिहार का प्रदेश दूसरा था आदेश, और ये जो एमपी राव है वो साउथ इंडियन है और साउथ के रहने वाले हैं। इनके बेटा बेटी जो है वो दिल्ली में प्रशासनिक पद में है और यूनियन कैडर से वो सिलेक्ट होकर आए हैं। तो जो दिल्ली और हैदराबाद का इन्होंने इशारा किया है वो साफ कहा है कि या तो वो बेटा बेटी के साथ रह सकते हैं या फिर हैदराबाद में जाकर अपने नेटिव प्लेस में ये कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, और किसान की बात करते हुए कहा कि सबसे बढ़िया काम है कि यदि आप कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं कर पा रहे हैं, यदि राज्य के डीजी स्तर के अधिकारी हैं और कुछ प्रोग्रेसिव काम नहीं कर सकते, राजनीति में कोई काम नहीं सकते कर सकते, तो इससे बेहतर है कि नौकरी छोड़ करके खेती करें। वो इस प्रदेश में उन्होंने कहा है। इनका कहने का मतलब ये साफ है कि उन जो विभाग उनको अभी मिला है उस विभाग में कुछ बेहतर करने के लिए उनके पास नहीं है आदेश। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन अब ऐसे जो ये कहें कि विचार बहुत कम ही देखने को मिलते हैं कि कोई होमगार्ड डीजी के पद पर रहकर, कोई राज्य का पूर्व डीजीपी होकर और पद को छोड़कर खेती करने को लेकर आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसे विचार हमें अमूमन ऐसे बड़े पद के अधिकारियों से बहुत कम भी देखने को मिलते हैं। दीपक, मैं तो पहली बार इस तरीके का एक होमगार्ड डीजी जो है अभी मौजूदा समय में उनकी तरफ से ये सुन रहा हूं कि वो नौकरी छोड़कर खेती करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज भी है दीपक। बिल्कुल, यदि ऐसा करते हैं अमीर राव तो ये तो एक अच्छी पहल है। और जिस तरह से किसानों का आप देख रहे हैं कि किसान कितने चर्चे में है, तो किसान अन्नदाता कहे जाते हैं। यदि पुलिस की नौकरी भी उन्होंने की तो लोगों के हित में की, जनता के हित में किया, और यदि अन्नदाता का भी वो काम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर वो देश के लिए काम होगा। और जिस तरह से अन्नदाताओं के लिए आजकल लगातार आंदोलन चल रहे हैं, वो भी उससे भी वो प्रभावित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान इतना मेहनत करते हैं उसके बाद भी उनको अपना हक छीनना पड़ता है, हक मांगना पड़ता है, तो ऐसा काम ही क्यों नहीं किया जाए कि कुछ बेहतर करे किसानी में ही। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के लोग किसानी करते रहे तो उनके लिए ये नया काम नहीं होगा, लेकिन एक तेज तरार अवसर है आदर्श जी। और जो अभी सरकार है, मौजूदा सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन के पिताजी के टाइम से ही, मतलब सोरेन के टाइम से ही ये काफी घनिष्ठता माना जाता था इनके रिश्ते को। और जिस तरह से के एन चौबे पूर्व डीसी को हटाया गया और इनको तुरंत लाया गया रातों रात, उससे भी इनके नजदीकी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन एंड वक्त पे ये सरकार की नाराजगी नहीं कहा जाएगी कि नाराजगी के में आकर के इनको हटाया गया। यूपीएससी ने इनके नाम को कन्फर्म नहीं किया था। इसके पीछे की वजह ये है कि यूपीएससी से बार बार सरकार ने आग्रह किया था कि जो पांच लोगों का कैडर का नाम गया था, आईपीएस कैडर के लोगों का, उसमें जो तीन नाम लौटाए गए थे यूपीएससी के द्वारा, उनमें इनका नाम नहीं था। तो सरकार ने आग्रह भी किया कि आप एमवी राव का नाम को इसमें जोड़ा जाए क्योंकि वो प्रभारी डीजीपी हैं, लेकिन कोई वजह रही होगी यूपीएससी ने सरकार की बात नहीं मानी और जो लास्ट तीन नाम भेजे थे उसमें से ही किसी एक को बनाने के लिए कहा। अंततः सरकार ने उसको मजबूर होकर के ये फैसला लेना पड़ा कि उसमें जो इनसे सीनियर अफसर थे नीरज सिन्हा, उनको डीजी का प्रभार देना पड़ा। आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। होमगार्ड डीजी एमवी राव इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं और इसके बाद नौकरी छोड़ वो खेती करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य निर्वाचन आयुक्त बीके तिवारी ने मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयोग भवन में अपना कल पदभार ग्रहण किया था। आपको बता दें कि पूर्व निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडे के बाद से ये पद खाली था।
एनएन पांडे 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। पद खाली होने के कारण कयास लगाए जा रहे थे कि अगला राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद रास्ता साफ हो गया था कि अगले निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी होंगे और इसी क्रम में डीके तिवारी ने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के पद को कल संभाला और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसके बाद मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा, महासचिव यतीन्द्र प्रसाद, उपाध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। रुक रहे हैं यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपर फास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी नीरज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक यह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान डीजीपी सिन्हा ने कानून व्यवस्था सहित कई बिंदुओं पर सीएम सोरेन के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को गुरुवार की देर शाम राज्य पुलिस का मुखिया बनाया गया है। झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा ने पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा इससे पहले जैप डीजीपी और एसीबी डीजी के अतिरिक्त प्रभार में थे। नीरज सिन्हा 14वें डीजीपी के रूप में योगदान देंगे। अब उन्होंने 24 अगस्त 1987 को भारतीय पुलिस सेवा में योगदान दिया था। उनकी सेवा अवधि जनवरी 2022 है। डीजीपी एमवी राव के हटने के बाद इन्हें झारखंड के डीजीपी की कमान मिली है। पूर्व डीजीपी एमवी राव ने विधिवत नीरज सिन्हा को पदभार सौंपते हुए शुभकामनाएं दी और अपने सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए अपने अनुभवों को बताया। वहीं आपको बता दें कि इससे संबंधित अधिसूचना गुरुवार की देर शाम को जारी कर दी गई थी। डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और उग्रवाद पर लगाम लगाना है, पूरी टीम को एकजुट रखना और बेहतर काम करना है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी अपराध नियंत्रण, सेकंड उग्रवाद पर नियंत्रण, तीसरा विधि व्यवस्था संधारण, चौथा उच्च कोटि का त्वरित अनुसंधान, पांचवा उच्च कोटि का त्वरित अभियोजन, छठा आम नागरिकों से पुलिस द्वारा शालीन व्यवहार, सातवां पुलिस कर्मियों का कल्याण, खासकर उनके रहने की स्थितियों और काम करने की स्थितियों में सुधार, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पूरे पुलिस संगठन को एक टीम के रूप में रखना और एक संगठित टीम के रूप में काम करना। ये जो जिम्मेवारी हमको सौंपी गई उसको मैं अपने टीम के साथ झारखंड पुलिस के हजारों कर्मी और पदाधिकारियों के साथ मिलकर जितना बेहतर सेवा दे सकता है उतना हम लोग देने की प्रयास किया था। इट इज फॉर यू फॉर द पीपल टू डिसाइड कि कितना अच्छा हुआ क्या हुआ और आगे भी बहुत कुछ करने का अभी समय है। तो ये झारखंड पुलिस विल कंटिन्यू टू डू गुड वर्क।
वहीं झारखंड के 14वें डीजीपी के रूप में 1987 बैच के आईपीएस नीरज सिन्हा ने पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के साथ उन्होंने अपराध नियंत्रण और नक्सल खात्मे की बात कही है। वहीं अपने कार्यकाल में किए जाने वाले कामों की प्राथमिकता भी बताई। झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। के रूप में 87 बैच के आईपीएस नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि कई फेरिश लिस्ट है आपके पास प्राथमिकताओं की, तो पहले ऊपर किसको रखते हैं? सबसे ऊपर अपराध नियंत्रण है, उसके बाद झारखंड के लिए स्पेसिफिक है उग्रवाद, तो उग्रवाद नियंत्रण दूसरी प्राथमिकता है। तीसरा, विधि व्यवस्था की समस्याएं होती रहती हैं, कारण उसके कई हो सकते हैं, लेकिन विधि व्यवस्था समस्याओं से आम नागरिकों को काफी कठिनाई होती है, तो विधि व्यवस्था संधारण तीसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। चौथा, अनुसंधान की क्वालिटी और स्पीड को इम्प्रूव करना। उसके बाद का जो स्टेप है, अभियोजन को श्रेष्ठ बनाना, बेहतर अभियोजन और त्वरित अभियोजन। एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता यह है कि पुलिस कर्मियों का आम जनता के प्रति व्यवहार शालीन हो और सौजन्य के साथ व्यवहार हो, जिससे कि लोगों को पुलिस के पास आने में, मदद मांगने में कोई भय न हो, कोई संकोच न हो, वो पुलिस के पास आए, पुलिस और नागरिकों के बीच संबंध बेहतर हो, जिससे कि आसूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर हो, और यही वह फाउंडेशन है जिसके आधार पर बेहतर पुलिसिंग हो सकती है। आसूचनाओं के आधार पर ही पुलिस अपराध नियंत्रण या उग्रवाद नियंत्रण की कार्रवाइयां करती है। तो जितना बढ़िया व्यवहार हमारा नागरिक के साथ होगा, उतना वो हमारे पास आएंगे और उतनी हमको सूचनाएं मिलेंगी। सर, वो जीरो एफआईआर की मांग बढ़ रही है, लेकिन आज भी जो थाने में जीरो एफआईआर लेने पे पुलिस वाले कतराते हैं, मना करते हैं, तो इसको कैसे सुदृढ़ करेंगे? इस समस्या का अध्ययन हम लोग कर लेंगे। अगर जो भी कानून में व्यवस्था की गई है जीरो एफआईआर की, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, एक और समस्या है राज्य में, महिला को सुरक्षा, महिलाएं पर सुरक्षा को लेकर, और कहने को तो राजधानी में रहते हैं लोग, लेकिन शाम के बाद से जो है महिलाएं जो है बाहर निकलने से कतराती है, तो उनको भरोसा में लेना एक पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज के डेट में। महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के लिए फोकस एरिया रहेगी। सर, नक्सलवाद भी बहुत बड़ा समस्या है, इस पर क्या है प्रारूप कुछ आपका तैयार, क्योंकि पहले से भी कई चीजों में आप नजर रखे हुए रहते थे। नक्सलवाद काफी पुरानी समस्या है और काफी समय से जो पुलिस तंत्र है वो नक्सलवाद की समस्या का अध्ययन करता रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए जो तरीके हैं, जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो निर्धारित हैं, और उन प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हुए और आसूचनाओं के आधार पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सेकेंड लास्ट सवाल लेना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो वीआईपी घटनाएं हैं वो घटी है, ऊपर से हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है कि अब दागियों से जो है सुरक्षा बल हटाया जाए, तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो एक चैलेंज के रूप में नहीं है कि एक तो वीआईपी से सुरक्षा गार्ड, मतलब दागियों से हटाया जाए, ऊपर से वीआईपी को सुरक्षा भी देना है, तो इसे कैसे देखते हैं? इस मामले में जो कानून का निर्देश है और जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, उनके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल यह है कि आपने पदभार ग्रहण किया है, जनता से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता से हमारा आग्रह होगा कि वो सामने आए, हमारे पास आए, जो समस्या हो हमें बताएं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें, और किसी तरह का भय या संकोच मन में नहीं रखें। अगर कहीं उनको कोई दिक्कत हो तो मुझे भी कह सकते हैं, अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी कह सकते हैं, हम लोग चाहेंगे कि वो हमारी तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाएं। ये थे झारखंड के नए डीजीपी, जो बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि पुलिस के सामने आने के लिए और पुलिस से एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए, ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो पाए। सभी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज रांची। तो नए डीजीपी नीरज सिन्हा, चुनौतियां इनके सामने कई हैं, नक्सलवाद वाले ज्यादातर इलाके झारखंड में हैं, तो कैसे उन नक्सलियों से निपटना है, उग्रवाद की घटनाओं को कम करना है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई। खैर, आगे बढ़ते हैं।
मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने के बाद नए मंत्रियों की तरफ से अपना कामकाज संभालने का सिलसिला जारी है। अपने अपने विभाग में पहुंचकर नए मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं इसी क्रम में सुभाष सिंह ने सहकारिता विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि सहकारिता मंत्री होने के नाते वो किसानों को हर संभव मदद देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश रहेगी कि वो अपने विभागीय जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपने को साकार कर सके। सुभाष सिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग हमेशा किसानों के हित में काम करता है। धान खरीद को लेकर किसानों के रजिस्ट्रेशन बंद होने की बात पर कहा कि उन्हें इस मामले में शिकायत मिली है, जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग के मंत्री सुभाष सिंह ने कल अपना पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर किसानों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपने को साकार करेंगे, ये बातें कहते नजर आए। और मौजूदा समय में किसानों के साथ जो हम देख रहे हैं कि नए कृषि कानून को लेकर लगातार आंदोलन जारी है, इस दिशा में भी उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में सुभाष सिंह सहकारिता मंत्री बने हैं और सहकारिता मंत्री का पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई और साथ ही कई चुनौतियां भी उनके सामने हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का राज्य और केंद्र का लक्ष्य, उसे पूरा करने की बात कही। अब बात लातेहार की करते हैं, जहां के मनिका में राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी तरह का धन संग्रह नहीं बल्कि जन संग्रह है। विभाग कार्यवाहक राजीव सिंह ने बताया है कि अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर नहीं बल्कि एक राष्ट्र मंदिर कहलाएगा। संघ की तरफ से चलाया जा रहा अभियान ना तो दान का है, ना चंदे का, ना उगाही और ना ही वसूली का। धन संग्रह कार्यक्रम में कई लोगों ने समर्पण किया है, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सांसद प्रतिनिधि लव कुमार दुबे, बलि प्रसाद यादव और साथ ही कई लोग इस मौके पर अपना योगदान देते नजर आए। वहीं लातेहार उपायुक्त के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर लातेहार के महुआढांड बस स्टैंड में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने, फोर व्हीलर चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करने सहित कई जानकारी लोगों को नाटक के माध्यम से दी जा रही है। बताते चले कि महुआढांड में इन दिनों मोटरसाइकिल सवार आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। इनके द्वारा सड़क नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना हेलमेट और ओवरलोड सवार होकर तेजी से वाहन चलाने के चलते इस तरीके के हादसे होते हैं। लोगों को जागरूक करना और साथ ही समय समय पर वाहन चेकिंग अभियान चलाना, ये सारी चीजें पुलिस का मकसद है और इसी के चलते नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कोई यमराज बना है तो कोई आपको यहां पर लोगों को जागरूक करता नजर आएगा। किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के हिम्मत नगर पंचायत के महादलित टोला शाहपुर में नाली सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति काफी नाराजगी है।
साथ ही महादलित ढोला के लोगों का कहना है कि उनके ढोले में नाली नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में घर आंगन में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सड़क सुविधा का भी अभाव है, सालों पहले मिले आवास भी अब जर्जर हो चुके हैं। इस बस्ती में करीब 150 परिवार की आबादी है। अब तक बहुत ऐसे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है, साथ ही कई लोग पीएम आवास योजना के लाभ से भी वंचित हैं। गांव के अधिकांश लोग खेती करते हैं या मजदूर हैं। साल के 8 महीने वो लोग खेतों में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। रोजगार की कमी के कारण लोग घर पर ऐसे ही बैठे हैं। हमारे गांव में जितने आवास बने हुए हैं, विकास झड़के गिर रहा है। बारिश आने पर हम पूरे परिवार बाहर सोते हैं। कब मिला है? ये लमसम आपको बता रहे हैं कि 15 से 18 साल का आयु हो गया है ये विकास कॉलोनी। राज्य की महिलाओं के साथ हो रहे अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती रात आदित्यपुर में एक महिला के साथ चलती ऑटो में छेड़खानी की घटना सामने आई है, जिसके बाद महिला ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी। इस घटना के बाद सरायकेला खरसावां पुलिस एक्शन में नजर आई। सरायकेला ट्रैफिक पुलिस की ओर से खरकाई चेक पोस्ट के पास ऑटो जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से सभी ऑटो चालकों के कागजात की जांच की गई, साथ ही चालकों का मोबाइल नंबर भी लिया गया। इसके अलावा चालक के लाइसेंस से उनके मिलान भी किए गए हैं। हमारे को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति डीलक्स मोटरसाइकिल में गांजा लेकर जा रहा है। इस सूचना पर त्वरित टीम गठित की गई थाना प्रभारी के नेतृत्व पे, और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छापामारी दल ने सर्च अभियान के क्रम में, तलाशी के क्रम में लगभग 1 किलो गांजा बरामद किया है। और बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।